शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान ने आने के साथ ही बवाल मचा दिया। इसके एक गाने ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मुद्दा संसद तक में उठ चुका है। अब इन्हीं विवादों के बीच फिल्म पठान का दूसरा गाना झूमे जो पठान रिलीज हो गया है। बुधवार को मेकर्स की ओर से इस गाने की रिलीज डेट का ऐलान किया गया था। ऐसे में अब गुरुवार को फैंस की डिमांड पर पठान का ये लेटेस्ट सॉन्ग आ गया है, जिस पर लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं इस गाने के बारे में। तो पठान का दूसरा गाना अब रिलीज हो चुका है। झूमे जो पठान गाना फिल्म का टाइटल सॉन्ग बताया जा रहा है। इस गाने को बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने गाया है। वहीं सुकृति कक्कड़ ने भी इस गाने में अपनी सिंगिंग से जान फूंकी है। इतना ही नहीं, मशहूर म्यूजिशियन विशाल ददलानी और शेखर की जोड़ी ने झूमे जो पठान को कंपोज किया है। इस गाने के रिलीज के बाद शाहरुख खान भी इस गाने को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस गाने को लेकर पोस्ट किया है और लिखा है, तुमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है, लेट्स झूमो। वहीं पठान के दूसरे गाने को जनता खूब पसंद कर रही है, तो वहीं ट्रोल भी कर रही है। यानी शाहरुख के इस गाने को मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं। जहां एक यूजर ने लिखा है, झूमे जो पठान वो गाना है जिसे मैं शाहरुख खान का गाना कहूंगा, इसमें वो वाइब है। दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है, पठान झूमेगा तो महफिल क्या, पूरा देश लुट जाएगा, आस्क अफगानिस्तान। एक और यूजर ने लिखा है, बहुत छपरी लग रहे यार। एक और यूजर ने लिखा है, वन मोर सुपर फ्लॉप इज लोडिंग। एक और यूजर ने लिखा है, सुपर्ब, एब्सोल्युटली सुपर्ब। अब बात की जाए पठान के पहले गाने की, तो पठान का पहला गाना बेशर्म रंग इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है, और ये बवाल दीपिका की एक ड्रेस की वजह से हो रहा है। दरअसल पठान के बेशर्म रंग गाने के एक सीन में दीपिका को ऑरेंज कलर के ड्रेस में पहने हुए दिखाया गया है, जिसे हिंदू धर्म का पवित्र रंग माना जाता है, और गाने में बेशर्म रंग का जिक्र है, इसीलिए बवाल हो रहा है। इतना ही नहीं, ये मुद्दा तो संसद तक भी पहुंच गया है, जहां सोमवार को बीएसपी के कद्दावर नेता दानिश अली ने पठान फिल्म को लेकर छिड़े विवाद पर अपनी राय रखी। पठान के बेशर्म रंग गाने की वजह से इस फिल्म के बैन करने की मांग उठ रही है। इस बीच संसद टीवी के मुताबिक सदन में बीएसपी सांसद दानिश अली ने लोकसभा में पठान फिल्म का मुद्दा उठाया, हालांकि उन्होंने इस पर पठान का सपोर्ट ही किया। आपको बता दें, पठान फिल्म अगले महीने यानी 25 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये बवाल कब तक होता है और फिल्म रिलीज होने पर क्या होता है।